बनारस के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है जब मैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो उसके साथ साथ मैं बड़ौदा में भी चुनाव लड़ रहा था और बड़ौदा ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। बनारस ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। लेकिन जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो मैंने सोचा कि बड़ौदा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेरे साथी वहां हैं, बड़ौदा की प्रगति के लिए वो कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन काशी के लिए अगर मैं अपना समय खपाता हूं तो शायद मेरे जीवन का संतोष हो। और इसलिए मैंने काशी की सेवा करने का चुना। लेकिन आज मुझे खुशी है कि बड़ौदा और बनारस को जोड़ा जा रहा है। बड़ौदा और बनारस महामना एक्सप्रेस से जुड़ रहे हैं। आज यहां से बड़ौदा से महामना एक्सप्रेस का आरंभ हुआ। ये बड़ौदा से सूरत होते हुए ये महामना एक्सप्रेस बनारस पहुंचेगी। गुजरात में से टेक्सटाइल सबसे पहले अहमदाबाद से चलता हुआ ये टेक्सटाइल उद्योग बनारस में आया था। आज फिर से महामना एक्सप्रेस के द्वारा बड़ौदा, वो भी एक संस्कृति नगरी है, वह भी एक विद्या का धाम है। बनारस भी संस्कृति नगरी है, विद्या का धाम है। दोनों को जोड़ना और वाया सूरत जो टेक्सटाइल का धाम बना हुआ है, एक ऐसी ये रेल की व्यवस्था जिसका सीधा संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामान्य नागरिकों से साथ तो है ही है, लेकिन इसका संबंध आर्थिक गतिविधि के साथ ज्यादा है।